जानवरों की दुनिया में किसी शिकारी या शिकार को मारना या मारा जाना, वे सभी खतरे में हैं। लड़ना और हमला करना पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। सबसे मजबूत और सबसे तेज जीवित रहेंगे। कुछ कमजोर हैं, असुरक्षित हैं और उनके बालों को छिपाने के लिए बहुत कम जगह है। कभी कभी उन्हें मौत से बचाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको अब तक रिकॉर्ड किए गए जानवरों के शिकार के सबसे अद्भुत क्लिप पेश करने जा रहे हैं। कृपया कहीं न जाएं, आइए शुरू करें। शिकार करते हुए सबसे अच्छे जानवरों को कैमरे में कैद किया गया है। शेरों ने रॉन मृग पर हमला किया। रॉन मृग सबसे बड़े अफ्रीकी मृगों में से एक है। दुर्लभ और लुप्त होने के कगार पर है। इन दो शेरनियों को अपने दोपहर के भोजन का आनंद लेने में कठिनाई हो रही है। यह बड़ा मृग एक आसान शिकार नहीं है। इसके सींग एक खतरनाक हथियार हैं, जिससे शेरनियों को बचना चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद वे खुद को छुड़ाने में कामयाब रही, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। शेरनी के विशाल कैनाइन दांतों और पंजों ने उसके पैरों की मांसपेशियों का नुकसान पहुंचाया है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सामान्य रूप से चल या दौड़ भी नहीं सकती है। ये आसान शिकार बन जाती है अन्य शिकारियों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों शेरनियां अपने दोपहर के भोजन के लिए वापस आईं। तेंदुआ गाय का शिकार करता है। तेंदुआ सबसे मजबूत बिग कैट्स में से एक है। बेहद खतरनाक और सबसे फुर्तीला शिकारी है, जो अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करता है। इसकी शिकार रणनीति, इस तेंदुए को कुछ दिनों के लिए खाने के लिए पर्याप्त मांस मिल गया है। वह एक बड़े शिकार को मारने में कामयाब रहा और जितनी जल्दी हो सके उसे अपने शिकार को हाइना से छुपाना होगा और उसके तो जितना जल्दी हो उसे सुरक्षित करनी होगी। यह एक और क्लिप है जो दिखाती है कि तेंदुए का जबड़ा कितना मजबूत है। वह रेलिंग के नीचे से सड़क पर एक गाय को नीचे लाने में कामयाब रहा। तेंदुआ गाय को खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है। जंगल में बेचारी गाय ने भागने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तेंदुए ने उसे अपने घातक काटने से नहीं छोड़ा। अंत में गाय थक गई और गिर गई। तेंदुआ उसे अपने साथ जंगल में खींचने में कामयाब रहा। उदबिलाव हंस नदी पर हमला करते हैं। उदबिलाव मांसाहारी स्तनधारी हैं, जो अपने पतले शरीर और जाल वाले पैरों के कारण बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु होते हैं। वे पानी में बेहद फुर्तीले होते हैं। वे तेज और आक्रामक शिकारी होते हैं, जो निडर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें कमैन पर विजय प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड किया गया है। ये अर्धजलीय स्तनधारी अवसरवादी मांसाहारी हैं और अपने निवास स्थान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शिकार प्रजातियों को खा जाते हैं। यहाँ एक और अविश्वसनीय फुटेज है, जिसमें एक ऊंट बिलाव को एक वयस्क रिलैक्स गुजगो का शिकार करते और मारते हुए दिखाया गया है। इसे पकड़ना आसान शिकार है और इसमें जवाबी कार्यवाही करने की क्षमता नहीं है। इस भूखे ऊंट बिलाव ने शिकार के सिर को काट कर हमला शुरू कर दिया और उसे तब तक डुबाए रखा जब तक कि उसका शिकार ऑक्सीजन की कमी से मर न जाए और किनारे पर पहुंचने पर जितनी जल्दी हो सके उसे खा जाए। ओसेलॉट एटीएस शिकारी हैं, जो विभिन्न प्रकार के आवासों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। ये चित्तीदार जंगली बिल्ली लंबाई में 20 से 30 इंच तक पहुंच सकती है। औसत वजन 20 से 35 पाउंड के बीच होता है, जो औसत घरेलू बिल्ली के आकार से लगभग दोगुना होता है। वे अच्छे तैराक होते हैं और पानी से डरते नहीं हैं। ये ज्यादातर रात्रिचर बिल्लियां विभिन्न प्रकार के शिकार का शिकार करती हैं। आमतौर पर इगुआना, खरगोश, कृंतक और मछली खाती हैं। ओसेलॉट भी पेड़ों पर जाते हैं और कभी कभी पक्षियों का स्टॉक करते हैं। और इस चौंकाने वाली क्लिप में एक ओसेलॉट को लाल हरे मकोए को पकड़ते हुए दिखाया गया है। ये खूबसूरत पक्षी शर्मीला है और आमतौर पर ओसेलॉट के मुख्य मेन्यू पर नहीं है, लेकिन जंगली बिल्लियों ने एक अवसर देखा जिसे चूका नहीं जा सकता था। बाघ मृग पर हमला करता है। ये बड़ी बिल्ली एक शीर्ष शिकारी है, जो ज्यादातर मृग और जंगली सुअर जैसे अनगुलिक्स को खाती है। बाघ अपने जबड़ों से जो भी मिलता है उसका शिकार कर लेते हैं। अंततः ये मृग इस बाघ के लिए स्वादिष्ट दोपहर का भोजन बन जाता है। एक वयस्क बाघ को जीवित रहने के लिए हर दिन कम से कम 14 पाउंड मांस की आवश्यकता होती है और यह मृग का मांस कुछ दिनों के लिए पर्याप्त है।
बाघ शिकार करने वाला बंदर है। ऐसा लगता है कि इस भूखे बाघ को कोई और बड़ा शिकार नहीं मिला है। ये बंदरों का शिकार करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन ये चतुर बंदर अच्छी तरह से जानता है कि एक पतली पेड़ की शाखा उसके लिए एक सुरक्षित आश्रय है। वे केवल कुछ इंच की दूरी पर एक दूसरे का सामना करते हैं, लेकिन पेड़ की शाखा बाघ का वजन से नहीं सकती है। अंतर शिकारी अनारी रूप से गिर जाता है और चालाक बंदर को शेरों के विपरीत एक पेड़ पर बैठने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाघ अच्छे पर्वतारोही होते हैं। कभी कभी वे शिकार करने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, जैसे कई बंदर पेट पर अच्छी तरह से रह सकते हैं। मगरमच्छ मॉनिटर छिपकली को खाता है। इस चौंकाने वाली क्लिप में एक मगरमच्छ एक बड़ी मॉनिटर छिपकली को उसके पिछले पैरों को काट कर पकड़ता है। लगभग 10 मिनट के बाद मगरमच्छ ने अभी भी अपने शिकार के साथ कुछ नहीं किया है। ये विशाल सरीसृप इतना सुस्त लग रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया, यहाँ तक कि छिपकली को डुबाने की भी कोशिश की गई। अंततः ये एम्बुश हंटर अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने शिकार को हिलाता है, लेकिन फिर भी इसने छिपकली को नहीं मारा। अंत में छिपकली अपने पिछले पैर में मामूली चोटों के साथ भागने में सफल रही। आसी मगरमच्छों के लिए कोई स्वादिष्ट दोपहर का भोजन नहीं है। मगरमच्छ ने गाय को पकड़ लिया। यहाँ हमारे पास एक मगरमच्छ है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये गाय बड़ी और शक्तिशाली शिकार है। गाय मगरमच्छ के काटने से बचने की कोशिश करती रही। आखिरकार मगरमच्छ थक गया और उसने अपना काटना छोड़ दिया। क्लिप इनमें से एक है। मैंने अब तक का सबसे अद्भुत पानी के अंदर घात लगाकर हमला देखा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मवेशियों का एक झुंड जंगल में पानी के छेद में पानी पी रहा है। पानी पीना एक खतरनाक गतिविधि है। जब विशाल सरीसृप सतह के नीचे चुपचाप बैठ रहे हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं, और ये होगा इस गाय के लिए पीने की आखिरी गतिविधि हो। निर्बल और पावला सीधे संभोग करने वाले तेंदुओं के पास भागते हैं। ऐसा लगता है कि ये तेंदुए अपनी रात का आनंद लेना चाहते हैं। हालांकि झाड़ियों में शोर से उनका ध्यान भटक गया था। अचानक एक इम्पाला सीधे उनकी ओर दौड़ता है। मुझे लगता है कि इस इम्पाला का पीछा एक अन्य शिकारी द्वारा किया जा रहा है। नर तेंदुए ने एक मौका देखा और अपना समय बर्बाद नहीं करते हुए वह जल्दी से उस पर झपट्टा मारकर उसे पेड़ पर खींच लिया। डॉट लकड़बग्गा मृग का शिकार कर रहा है। ये लकड़बग्गा धीरे धीरे मृग के पास उसके अंडे स्थान के पीछे से आ रहा है। मृग ने खतरे को देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लकड़बग्गा ने उसे काट कर पकड़ लिया और लकड़बग्गे से बचने की कोशिश करते समय उसे जाने नहीं दिया। बेचारी मृग ने अपने पिछले पैरों में से कुछ तोड़ दिया है, जिससे वह इसके लिए एक आसान शिकार बन गया है। शिकारी मृग अफ्रीकी सवाना में लकड़बगों और अन्य शिकारियों का पसंदीदा शिकार है। मृग को मारने में सफलता इसके लिए एक बड़ी जीत है। तेंदुआ वाइल्ड बीस्ट का शिकार कर रहा है। इस तेंदुए ने अपने सामने एक संभावित शिकार देखा। वाइल्ड बीस्ट बिना समय बर्बाद किए झुंड से अलग हो गया। ये शिकारी उसका पीछा करता है और उस पर झपटता है, लेकिन वाइल्ड बीस्ट को वश में करना आसान शिकार नहीं है। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार तेंदुए ने अपनी अविश्वसनीय ताकत और सहन शक्ति दिखाई। वह अपने शिकार को गिराने और मारने में कामयाब रहा। मगरमच्छ वाइल्ड बीस्ट का शिकार करने वाले इस नदी के राक्षस शीर्ष पर भक्षी हैं। वे धैर्यवान जानवर हैं। वे जानते हैं कि उनका भोजन नदी पार कर जाएगा या पीने के लिए वापस आ जाएगा। 3000 PSI के साथ जबरदस्ती करने पर परिणाम भयानक होते हैं। एक बार जब उनके घातक जबड़े शिकार तक पहुंच जाते हैं, तो मृत्यु हमेशा अपरिहार्य होती है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो का आनंद लिए होंगे। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।